नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन ऑर्थो। और आज की इस वीडियो में हम आपको अशोक राय जी की चेतक प्रतियोगिता जो गोरखपुर में संपन्न हुई है, आज उसकी फाइनल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि किसी भी प्रतियोगिता का हाल वही जानता है जो कराता है, और निर्णय उसी का होता है जिसकी ये प्रतियोगिता है। कोई सवार, कोई घुड़सवार या कोई घोड़े का मालिक प्रतियोगिता के ना रिजल्ट को बता सकता है ना उसमें लिए गए फैसले को। अगर आपको उसकी प्रतियोगिता पसंद है तो उसमें आप आए, और प्रतियोगिता ना पसंद हो तो उसमें ना आए। अशोक राय जी की प्रतियोगिता बेहतर तरीके से संपन्न कराई गई है। मैंने भी कई वर्षों में कई प्रतियोगिताओं में घूमा हुआ है और देखा है कि कैसे प्रतियोगिताएं होती हैं, और उसी के रूप में कैसी ये प्रतियोगिता हुई आगे आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं कितनी बेहतर तरीके से संपन्न कराई गई है, और ये उस समय का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय वार्म अप का क्रम चल रहा था और फाइनल की चेतक प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। वॉइस ओवर में काफी दिनों के बाद आए हैं, किसी रेस में आपसे मिल रहे हैं। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपको दिखाते हैं। आगे हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं अशोक राय जी की, जो आज बेहतर चेतक प्रतियोगिता गोरखपुर उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई, उसी की कुछ तस्वीरें आप हमारे माध्यम से इंडियन हॉर्सेस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो अब देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि इसमें जीता कौन कौन है और कौन कौन लोग इस प्रतियोगिता में भाग लिए। चार सेमीफाइनल के राउंडों से बेहतरीन घोड़ों को सेलेक्ट करके फाइनल के चक्र तक पहुंचा दिया गया। अब बारी थी उन 8 घोड़ों में किनको किनको चुना जाएगा, किस तरह से इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाए, और बैजनाथ सवार इसमें काफी मदद किए चेतक प्रतियोगिता में, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो चेतक प्रतियोगिता की जो तैयारी है उसको तो आप देख ही लिए। अशोक राय जी की चेतक प्रतियोगिता है, हल्के में न लीजिए। आप देख रहे हैं तीसरा का पुरस्कार सवार हीरा यादव को मिला, जो अजय सिंह साथ बक्सर बिहार के घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे। अशोक राय जी ने यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके हाथों सम्मानित हो रहे हैं। 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया तीसरे आने वाले घोड़े को। तो दूसरे पे क्या पुरस्कार है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा घोड़ा किसका आया हुआ है इस रेस में। हीरा सवार क्यों पिछड़ गए, आगे जरूर देखिएगा। अब आप बारी आती है दूसरे वाले घोड़े की, और पुरस्कार भी घोड़ों के मन के मुताबिक ही है। कुणाल जी समस्तीपुर एक्सप्रेस घोड़ा है कुणाल जी का, समस्तीपुर बिहार से चलकर आए हैं। सवार मेघू को दूसरा स्थान मिला है इस प्रतियोगिता में। दूसरे स्थान पर 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया था। पहले स्थान पर जिस घोड़े की जबरदस्त पैरबाजी रही, जिसकी सवारी रही, वो घोड़ा रहा हरे राम मुखिया झुआ बिहार का, 19 नंबर बैच के साथ सवार। तो आप देख रहे हैं मकाऊ की सवारी आखिर कैसी रही कि इतनी जबरदस्त रेस में प्रथम स्थान पा लिए हैं। आगे आप देखेंगे मकाऊ की घुड़सवारी और चमचमाती हुई चाबी मोटरसाइकिल की हरे राम मुखिया जी लेकर चल पड़े हैं। देख रहे हैं प्रथम का पुरस्कार मकाऊ सवार के नाम रहा, और जीत के बाद फिर खुशी क्या होती है ये तो आज हरे राम मुखिया जी से ही आप पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हरे राम सिंह मुखिया जी को, जो गोरखपुर की रेस पर जीत का सहारा बच चुका है। आप देख सकते हैं प्रथम चक्र छूट चुका है और शुरुआत में 8 घोड़े लड़ाई में लग चुके हैं। सबसे आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, बीच में कौन चल रहा है, सभी को आप देख रहे हैं। तो प्रतियोगिता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। झंडी जो मारने का सवाल है उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहीं पर आगे आप देखेंगे मोड़ पर कौन सा घोड़ा झंडी मारता है। ये निगाहें आपकी तेज है, आप देख लीजिए और पहचान लीजिए। झंडी मारने से ही सवार शंभू का घोड़ा इस रेस से बाहर किया गया है, और वक्त आपके सामने है और निगाहें देख रही है। चलिए प्रथम चक्र खत्म हो चुका है, दूसरे चक्र में बढ़ते हैं, और दूसरे चक्र में भी हरे राम मुखिया का शानदार घोड़ा काफी बेहतरीन पैरबाजी करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जिसकी चेतक प्रतियोगिता है नियम उसी के हैं, और अगर सवारों से और लोगों से आप पूछेंगे तो कई तरह की बातें लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे ही, कमियां तो हर जगह लोगों का काम है बताना। आप देख सकते हैं छलांग किसने नहीं मारी है या, और हरे राम मुखिया के घोड़े पर जो घुड़सवारी कर रहे हैं उनकी चाल में अगर कोई त्रुटि हो, कोई भी रेस कराने वाला जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरा बताएं कि कौन सी चाल में कमी थी। आप देख सकते हैं भीड़ में थोड़ी सी कसर रह गई, शादी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, तो थोड़ा सा काम होते रहता है, और घोड़ेबाजी और खेल को खेल की भावना से ही लेना चाहिए। आप देख रहे हैं सवार मकाऊ काफी बेहतरीन तरीके से एक और चक्र पूरा कर चुके हैं। शंभू सवार दूसरे पे, तीसरे पे समस्तीपुर एक्सप्रेस है, हीरा सवार भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चौथे पे नागराज घोड़ा है,
और घुड़सवार भी नया है, काफी अच्छी पकड़ से इसमें घोड़ा दौड़ाया गया है और मकाऊ की बेहतरीन चाल तो यहाँ पर आपको दिख ही रही होगी। और ये प्रतियोगिता अशोक राय जी की एक बार ऐसे ही और हुई थी जिसमें एक और मोटरसाइकिल का इनाम था और जीता भी था सवार टिगोरी ने। तो इसी प्रकार इस चेतक प्रतियोगिता का हाल यूं ही रहा और गोरखपुर की रेस का ग्राफ तो सुधरा ही है, जिसको जो कहना है वो तो उसका काम ही है कहना। तो चलिए देखते हैं आगे, सवार मकाऊ एक और चक्र खत्म कर चुके हैं, आगे से और घोड़े आ रहे हैं और काफी बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट चक्र का समय आ गया है, सवार मेघू अभी तीसरे स्थान पर हैं, पहले पर हरे राम मुखिया का घोड़ा काफी बेहतरीन तरीके से और काफी अच्छी लीड बना के चला है। और मकाऊ सवार के हाथों में जो घोड़ा फिट फील्ड पर नहीं दिखा, आज वो ग्राउंड पे जरूर दिख गया है, वो भी फाइनल के चक्र में। आपको हम आगे हरे राम मुखिया जी से बात किए हैं, वो भी दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने घोड़े की तैयारी के बारे में और इस रेस के बारे में। तो चक्र खत्म हो रहे हैं, सबसे पहले हरे राम मुखिया के घोड़े से पहुंचे सवार मकाऊ, दूसरे स्थान पर सवार शंभू पहुंचे जो झंडी मारने की वजह से बाहर हो गए खेल से। और झंडी मारना कोई छोटी बात नहीं है, जो क्रम बनाया गया है उसमें आप बाहर होते ही हैं। दूसरे स्थान तीसरे पर मेघू, चौथे पर सवार हीरा पहुंचे थे। तो यही रही है गोरखपुर की चेतक प्रतियोगिता, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। हमें आप लिख भेजिएगा कि कैसी रही आपके लिए गोरखपुर की और अशोक राय जी की रेस, और आप भी क्या इस गोरखपुर के ग्राफ को सुधरता हुआ देख रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे और आगे की और किसी नई रेस को